सुनो सुनो सुनो, आज के बाद नासा वाले अंतरिक्ष में कोई भी फोटोग्राफी नहीं करने वाले। अंतरिक्ष में आज के बाद फोटोग्राफी नॉट अलाउड। अगर कोई कैमरा लेकर गया तो उसका कैमरा नासा वाले छीन लेंगे। तो देखिए हमारी वीडियो और जानिए, मिलते हैं। ए हेलो दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज एक सबसे बुरी खबर है कि आज के बाद नासा अंतरिक्ष के फोटो नहीं खींचेगा और इंटरनेट पर अपलोड नहीं करेगा। हाँ दोस्तों, क्यों नासा ने ऐसा किया तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं वो वॉयेजर 1 से लिया गया आखिरी पिक्चर है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आखिरी पिक्चर है। मैं क्यों आखिरी पिक्चर बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए उस कहानी को एक बार फिर से दोहराते हैं। वॉयेजर 1 एक स्पेस क्राफ्ट है जिसको नासा ने डिजाइन किया गया था और उसको लॉन्च किया गया था 1977 में नासा के द्वारा अंतरिक्ष में। हुआ ये कि इस फोटो को वॉयेजर 1 ने बहुत दूर से, हमारे सौर मंडल से बहुत दूर से लिया गया है फोटो, यही है जो कि आज तक अंतरिक्ष में सबसे दूरी से लिया गया फोटो है। उसके बाद क्या हुआ वॉयेजर 1 के साथ? तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने जैसा कि बताया कि अभी वॉयेजर 1 हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं है, अभी वो सौर मंडल से बहुत दूर चला गया है, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया है। हाँ दोस्तों, वो अभी हमारे सौर मंडल से बहुत दूर जा चुका है एंड उससे लिया गया आखिरी फोटो यही था जो कि बहुत ही दूरी से लिया गया था। इस फोटो में जो आप बीच में जो सफ़ेद बिंदी देख रहे हो वो कोई और नहीं, हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वीवासी के घर। तो दोस्तों, ये लिया गया है तकरीबन 6 बिलियन किलोमीटर दूर। हाँ दोस्तों, 6 बिलियन किलोमीटर जो कि बहुत 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 बड़ी दूरी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि नासा को पता चल ही गया कि वो अभी हमारे सौर मंडल से बाहर जा चुका है, तो इसीलिए नासा ने क्या किया कि उसमें जो कैमरा लगा हुआ था उसको डीएक्टिवेट कर दिया है। उसको क्यों डीएक्टिवेट कर दिया उसके पीछे भी एक कारण है जिसको सुनिए नासा ने क्या कहा है। नासा ने ऐसा दावा किया है कि जो वॉयेजर उनमें मेमोरी कार्ड है, जो मेमोरी है, जो स्टोरेज डिवाइस है, वो फ़ोटो से मतलब भर चुकी है। फ़ोटो से मतलब फ़ोटो की जो स्पेस होती है, जो जगह होती है मेमोरी कार्ड में, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए नासा ने ये घोषित कर दिया कि आज के बाद वॉयेजर 1 कोई भी फ़ोटो नहीं खींचेगा, क्योंकि वॉयेजर 1 को और दूरी तय करनी है उस मतलब सौर मंडल के बाद क्या क्या हो रहा है और कौन कौन है सौर मंडल के बाद, वो जांच पड़ताल के लिए अभी फ़िलहाल कैमरा बंद कर दिया गया है। और इस कैमरा के मतलब इस फोटो के पीछे एक और रीज़न है, वैलेंटाइंस डे। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हो इस फोटो और वैलेंटाइंस डे के मतलब क्या क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन? तो कनेक्शन ये है दोस्तों कि इस फोटो को लिया गया था फ़रवरी 14, 1977 में। तो आज है फ़रवरी 13 और कल है फ़रवरी 14, मतलब इस फोटो का बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस 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 बस, कहने तो इस फोटो का जन्मदिन आ रहा है। तो नासा ने फिर से इस फोटो को अपलोड किया है इंटरनेट पर और अभी ये बहुत ही वायरल हो गया, मतलब बहुत ही सच्चा में, क्योंकि वॉयेजर 1 से लिया गया आखिरी फोटो है और इसके बाद वॉयेजर 1 कोई भी फोटो नहीं खींचने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ी, क्योंकि आज तक वॉयेजर 1 ने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं। वॉयेजर 1 का मेन मकसद यही था कि हमारे सौर मंडल के बाद हमारे अलावा और कौन कौन रहते हैं, और कोई है एलियन, तो उसके लिए ही वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया था। और अभी वो अपने मिशन पर है क्योंकि फाइनली हमारे सौर मंडल के बाहर जा चुका है और वो जांच पड़ताल कर रहा है कि और कौन है बाहर। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो कि ये फ़ोटो बहुत ही चर्चा में है और वॉयेजर 1 आज के बाद कोई भी फ़ोटो नहीं खींचने वाला है। उससे भी बड़ी बात कि इस फोटो का जन्मदिन आ रहा है भाई, कमेंट तो करो हैप्पी बर्थडे टू फोटो ऑफ अर्थ, करो 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 अभी करो। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक तो कर ही देना यार। आज अभी फिर से भी बोल रहा हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए। चलिए
शुक्रिया, बाय बाय, वंदे मातरम।